हिमाचल प्रदेश जेबीटी टेट और हिमाचल प्रदेश जेबीटी कमीशन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो क्वेश्चंस हैं बेसिकली बहुत ही ज़्यादा इजी रहते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो कैंडिडेट्स हैं उनको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का जो तरीका है वो नहीं आता। इसीलिए जो कैंडिडेट्स हैं वो मैक्सिमम टाइम इन क्वेश्चंस को गलत करके ही आते हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से हम इन क्वेश्चंस का जो आंसर है वो मात्र 2 सेकंड में निकाल सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आप वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक बने रहेंगे, क्योंकि वीडियो आपको अपने आप ही इंफॉर्मेटिव लगने लगेगी। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा है, यदि राम की आय शाम से 25% अधिक है, याद रखिएगा अधिक है, जो राम है उसकी इनकम शाम से 25% ज्यादा है, तो शाम की जो इनकम है वो राम से कितने परसेंट कम है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन दिए हैं हमारे पास 20%, 30%, 40% या 50%। चलो इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो क्वेश्चन है इनको सोल्व करने का एक फॉर्मूला होता है। सबसे पहले हमने देखना है जो हमें हमारी इनकम है वो ज्यादा या कम कितने परसेंट दी गई है, क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है कि जो इनकम है वो ज्यादा है। कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं इनकम है जो 25% कम है, तो सबसे पहले हमने लिखना है कि जो इनकम है कितनी कम या कितनी ज्यादा है, कितने परसेंट कम या कितने परसेंट ज्यादा है। यहाँ पे कितनी ज्यादा है, 25% हमने लिख लिया, 25। अब आपने एक चीज का ध्यान रखना है, अगर इनकम हमें ज्यादा दी गई हो, जैसे राम है उसके जो इनकम है वो शाम की इनकम से 25% ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, 100 में जितने परसेंट ज्यादा इनकम दी गई है उसको प्लस करेंगे, 100 प्लस 25, और इस सारे को हम जो हमारा 100 है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह से हमारे पास इक्वेशन बनी है। इक्वेशन क्या है, 25 अपॉन 125 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है दोस्तों, इस तरह से जो हमारी इक्वेशन है वो बन गई। अभी देखिए दोस्तों यहाँ पे 25 चौके कितने आ गए, 100। ठीक है, 4 के साथ जाएगा, और यहाँ पे 25 पंजे कितने आ गए, 125, यहाँ पे जाएगा 5 के साथ। अभी आगे क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे 5 कट जाएगा हमारा 25 के साथ, तो यहाँ पे भी कितने आएंगे, 5। अभी हमारे पास क्या बचा, 5 मल्टीप्लाई बाई 4, आंसर कितना आ गया, 5 4 20। ठीक है दोस्तों, अभी जो हमारा आंसर है वो कौन सा है, ऑप्शन ए इज राइट, जो शाम है उसकी जो इनकम है वो राम से कितने परसेंट कम है, 20%। उम्मीद है इस क्वेश्चन को सोल्व करने का जो तरीका है वो आपको आ गया होगा। अभी हम एक क्वेश्चन सोल्व करेंगे जिसमें जो आपकी इनकम है वो कम बताई रहती है। अभी देखिए दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन क्या है, यदि रमन की आय विकास की आय से 20% कम है, एक लड़का है रमन, उसकी जो इनकम है विकास की इनकम से 20% कम है, तो विकास की जो इनकम है वो रमन से कितने परसेंट अधिक है। इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने का क्या तरीका है, सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमें इनकम है वो यहाँ पे कम बताई गई थी, जो पहले वाला क्वेश्चन है उसमें ज्यादा बताई गई थी। अभी कम वाला क्वेश्चन है, इसके लिए क्या फॉर्मूला लगेगा, सबसे पहले हमने बेसिक सी चीज करनी है, हमने देखना कितनी कम या कितनी ज्यादा बताई गई है, 20% कम है हमने लिख लिया 20। अभी जो प्लस और माइनस का खेल है वो यहाँ पे शुरू होता है। पहले हमने क्या करा, पहले क्वेश्चन में जो हमारी इनकम है वो ज्यादा बताई गई थी, हमने क्या करा 100 प्लस 25, जितनी ज्यादा है वो हमने 100 में प्लस कर ली। अभी कम बताई गई है ना, तो हमने क्या करना, जितनी कम है वो हमने क्या करनी है दोस्तों, 100 में से माइनस कर देना। ठीक है, 20% कम बताई गई है, तो हम किस तरह से करेंगे, 20 अपॉन, अभी देखिए 100 माइनस 20, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 100। अभी इस क्वेश्चन की इक्वेशन क्या बन रही है दोस्तों, 20 अपॉन 80 मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है दोस्तों, जीरो के साथ जीरो गई, यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 2 4 8, 2 5 10। ठीक है दोस्तों, आगे है 4 5 20, अभी हमारे पास क्या बचा, 5 मल्टीप्लाई बाई 5, तो हमारे पास ये आंसर आ गया, क्या आ गया, 5 मल्टीप्लाई 5 25। ठीक है दोस्तों, अभी हम देखेंगे
25 हमारा कौन सा ऑप्शन है, तो यहाँ पे हमारा जो बी ऑप्शन है वो सही है। देखिए दोस्तों, ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इस तरह के जो क्वेश्चन हैं वो इन्हीं दो तरीकों से पूछे जाएंगे, या तो कम होगा या तो ज्यादा होगा। तरीका आपको समझ आ गया है, अभी ऐसे जो क्वेश्चन हैं आपने इनको सॉल्व करने की ट्राई करनी है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें।